केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। झारखंड में पंचायत चुनाव की बारी है, गांव की सरकार की बारी है। जनता ने बहुत सब्र किया क्योंकि पंचायत चुनाव को लगभग 1.5 साल विलंब हो चुका है अब। लेकिन ये देरी या ये परेशानी दूर होने वाली है क्योंकि इसी सप्ताह में पंचायत चुनाव का शुरुआत और आगाज होने वाला है। चुनावी मूड में सारे जनप्रतिनिधि एवं भावी प्रत्याशी आ चुके हैं। आज हम लोग गोड्डा जिला के पथरगामा प्रखंड में और पथरगामा दक्षिणी से भावी जिला परिषद प्रत्याशी सियाराम भगत जी हमारे साथ। पूर्व में भी जिला परिषद रहे हैं, समाज सेवी हैं और बिना जिला परिषद रहते भी इनका कार्यकाल काबिले तारीफ। तो जानेंगे उन्हीं की जुबानी, आखिर 5 साल में जनता के लिए आपने क्या किया। 5 साल बिना जिला परिषद रहते जनता के लिए क्या किया? जनता के सुख दुख में साथ रहे और जनता के हर एक समस्या का समाधान के लिए हमको निजी कोई पावर तो नहीं है, लेकिन उसके कार्य के लिए माननीय विधायक से हो, माननीय सांसद से हो, पदाधिकारी से हो, मिलकर उसके समस्या का समाधान करने का निरंतर हमने प्रयास किया। कोरोना काल में कुछ कार्य किए हैं? कोरोना काल में क्षेत्र में सैनिटाइज का काम, सैनिटाइजेशन का, मास्क बांटने का काम, आदिवासी गाँव में अपना खुद टैंकर लेके उसमें पानी भर के दवाई भर के क्षेत्र के गली गली में हम लोग अपने से, वो तो जो चलाया टैंकर वाला अपने हाथ से भी टैंकर चलाने का काम किए हैं। उनको लगता है कि 25-50 गाँव में साबुन बांटने का काम किया, मास्क बांटने का काम किया, लोगों को जागरूक करने का काम किया कोरोना से हम लोग कैसे बचें, ये सारा काम। ये सारे तो चुनाव लड़ने का इस बार अचानक से मन कैसे हुआ या पहले से मन था? चुनाव एक्चुअल में लड़ने का मन मेरा तो शुरू से ही रहा है, क्योंकि जब सामाजिक कार्य हम करते रहे और जब पहला चुनाव की बारी आई तो हमको लड़ने का इच्छा नहीं था, लेकिन लोगों ने कहा कि आप जनता के लिए इतना किए हैं, सही में जनता सही बात बोल रही है, एक बार हमको भी देखना चाहिए कि लोग हमको कितना पसंद। तो पहला चुनाव लड़े, निश्चित तौर पर लोगों ने हमको पसंद किया, अच्छा वोट से जीते, कोई हम चुनाव में कभी कोई लोग हमसे डिमांड भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, हम चुनाव में घूमते गए, लोग हमको वोट दिया और आसानी से हम चुनाव जीते। इसके बाद जनता, अगर हम ये कहें कि जनता सियाराम भगत को ही वोट क्यों दे? इसलिए कि जनता सियाराम भगत जनता के बीच में बहुत सुलभ है, आसानी से सियाराम भगत उपलब्ध हो जाता है। पथरगामा पश्चिमी का जो मेरा क्षेत्र है तो हमको लगता है कि 6-7 पंचायत जो है जिसमें कम से कम 50-60 गांव है वो मेरे दरवाजे होकर ही जाना आना होता है। प्रखंड मुख्यालय अगर जाना है तो मेरे दरवाजे होकर ही जाना है और छोटा मोटा जो भी समस्या होता है उसका समाधान भी हो जाता है और वो लोग अपने बात को रखते हैं और कोरोना काल में किए गए कार्य के आधार पर आप वोट की उम्मीद करते? कोरोना काल मैं तो निरंतर करते आया हूँ। अच्छा, मैं 5 साल अभी भी आप देखेगा, आप आए होंगे तो आप देखे होंगे कि लोग अपनी बात को अपनी बात को रखे हैं और जहाँ तक होता है हम उनके लिए लगे हुए हैं। होना नहीं होना तो नियम कानून भी बहुत है, लेकिन प्रयास मेरा रहता है कि मैं अपने लोगों को कैसे मदद करूँ, जो लोग मेरे पास कुछ मदद के लिए आया है तो मैं उसका कैसे सेवा करूँ, मैं उसका कैसे सम्मान करूँ, यही मेरे जीवन का मूल मंत्र है और इसी के सहारे हम चुनाव लड़ते भी हैं और इसी के सहारे जनता हमको पसंद भी करती है। लास्ट सवाल ये है कि अगर जनता आपको चुनाव जिताती है तो आप जनता के लिए क्या क्या काम करें? देखिए, ऐसे तो जिला परिषद में बहुत सारा आवंटन नहीं है, बहुत सारा फंड नहीं है, सरकार बहुत इसको जिला परिषद के माध्यम से कार्य कराने के लिए कोई ऐसा योजना नहीं बनाई है, फिर भी इस क्षेत्र में हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, हमको जो राजनीतिक तजुर्बा रहा है क्षेत्र में विकास से जो हम जुड़े हुए हैं तो अपना तजुर्बा और अपने माननीय सांसद से हो, विधायक से हो, अपने स्तर से हो, सरकार से हो, मैं लड़ के भिड़ के समाज के लिए या उनके विकास के लिए जितना भी कार्य करना होगा हम करेंगे। लेकिन 5 काम जनता जानना चाहती, क्या क्या करेंगे महत्वपूर्ण? शिक्षा में सुधार होगा। बिल्कुल, शिक्षा में सुधार होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। पेयजल की व्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। अभी जैसे देख लीजिए कि चापानल लगे, सरकार बहुत चापानल लगाएगी, अभी हमारे माननीय विधायक भी पद पर चापानल लगा,
लेकिन होता है क्या कि ओवर से चापल बनते जा रहा है, पानी निकला, फिर जो है दूसरे दिन फिर आप देखिएगा कि 3 महीना में 6 महीना में चापल बंद हो गया। तो जो सरकार द्वारा योजना चला है, तो हम जिला परिषद होने के नाते शिक्षा स्वास्थ्य पेयजल ये सारा चीज़ जो है अपने निगरानी में रख के लोगों के लिए हम करते रहेंगे, करते रहे उसको सुचारू रूप से हम चलाते हैं। एक जल वितरण प्रणाली में जो आज की डेट में जो जिला परिषद हैं बहुत ऐसे क्षेत्र के, उसको एक अपना कमाने का अड्डा बना लिया। देखिए हम इस बात को नहीं मानते हैं जिला परिषद अपने कमाने का अड्डा बना लिया है, जिला परिषद उसको देख नहीं पाते। अगर जिला परिषद का सदस्य अपने क्षेत्र के जन वितरण के दुकान को अगर देखना प्रारंभ कर दें तो हमको लगता है कि जो जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं वो उतना चोरी बेमानी नहीं करते, लेकिन हमको लगता है कि जिला परिषद के सदस्य कहीं ना कहीं इस मामले में निरंकुश हैं। जो उनको औचक निरीक्षण चाहिए, जो गाँव में जाकर लोगों से पूछना चाहिए तुमको अनाज मिला कि नहीं, तुमको किराना तेल मिला कि नहीं, तुमको कपड़ा मिला कि नहीं, तुमको नमक मिला कि नहीं, ये सब चीज़ की जानकारी उनको लेना चाहिए और जब क्षेत्र में घूमेंगे इनकी जानकारी मिलेगी तो वहाँ जन वितरण के दुकानदार अगर गलत करेंगे तो उन पर अंकुश लगाने में उनको मदद। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बहुत सारे आवास होते हैं, पेंशन होते हैं, राशन कार्ड होते हैं, इनके काम में भी मुखिया के द्वारा दिलचस्पी नहीं देखी जाती। क्या आपके जिला परिषद बनने के बाद मुखिया से समन्वय स्थापित करके इन लोगों इन कामों को दुरुस्त करने की प्रक्रिया होगी? देखिए मुखिया से समन्वय करके ही हम यह काम कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। डीलर आपका जैसे मान लीजिए कि जन वितरण के दुकानदार जन वितरण में आपको कार्ड बनाना है तो उसमें कोई मुखिया का रोल नहीं है। इंदिरा आवास होना है, प्रधानमंत्री आवास होना है, तो उसमें कोई मुखिया का रोल नहीं है, वो सीधे प्रधानमंत्री आवास डाटा पर बन रहा है। आपका ये जो अभी आप बताए क्या बोले राशन कार्ड के लिए, तो गरीब का राशन कार्ड बनना है, जो गरीब का नहीं बना है उसको ऑनलाइन करा के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से मिलते डीओ से मिलते उसको यथास्थिति कार्ड उपलब्ध कराने का बात किया जाए, बात किया जाए। मुखिया अपने आप में एक ग्राम सभा है, मुखिया आम सभा करती है, मुखिया कोई हर एक योजना के लिए नहीं कहेंगे। चलिए लास्ट सवाल फिर से ब्रीफ में कर दिए, 5 का। पहला शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन कार्ड, पेयजल, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आपका पेंशन, इन तमाम कार्यों पर, तमाम कार्यों पर मेरा पैनी नजर रहेगा। एक और बात कि जब मुखिया या जिला परिषद के पास पब्लिक आता है वो लोग तो ठीक रहते हैं, लेकिन उसके पिछलग्गू वाले आदमी डिमांड करते हैं, क्या आपके बनने के बाद ये प्रथा चलेगी? नहीं चलेगी, बंद करेंगे। हमारे पीछे पिछलग्गू बनने का लोग रहेंगे ही नहीं। हमको इतना समय है कि हम सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, हम एक एक गाँव से जुड़े हैं। हमको तो लगता है कि राजनीति का ये मेरा 30 साल है और अपने क्षेत्र के हमको तो गोटा विधानसभा हम देखते रहे हैं। आज लोगों होते थोड़ी तो होते, अब तो अमित मंडल जी बहुत एक्टिव हो गए हैं तो हमको बहुत देखना नहीं पड़ता है। तो अभी हमको लगता है कि हमारे क्षेत्र में एक फॉर्म में 90 घर के व्यक्तिगत रूप को हम जानते हैं, 90 घर को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उसके परिवार को जानते हैं। इसका फायदा मिलेगा और वो भी हमको जानते हैं क्योंकि हमको हमारे पहचान का मोहताज नहीं है, मेरे नाम से लोग जानते हैं आपके नाम। चलिए लास्ट रामनवमी है, कुछ बोल लोग शुभकामना देना चाहते हैं रामनवमी के शुभ अवसर पर। मैं अपने तमाम क्षेत्र के साथ साथ उनके जिलावासियों को शुभकामना देता हूँ कि फसल खुदा से अमन चैन से सुख शांति के साथ आपसी समन्वय बनाते हुए रामनवमी को सम्पन्न करें, ये हमारी शुभकामना है। यही कहना कि क्षेत्र में जनता के बीच 5 साल रहे हैं और मेरे कार्यों को देखकर ही जनता तय करेगी कि कौन जनता के सुख दुख में रहता है और कौन नहीं रहता है। कोई प्रतिद्वंदी नहीं, कोई द्वेष नहीं, सिर्फ काम के आधार पर जनता अपना प्रतिनिधि को चुने, यही मेरी जनता से अपील। धन्यवाद, नमस्कार। अरे ठीक हो भैया, ऐसे तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो कहा ही करते हैं, जल्दी दबाओ।